कोर्ट से राहत मिलने के बाद इधर राहुल गांधी संसद में दाखिल हुए तो उधर बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया के लिए भी कोर्ट से राहत की खबर सामने आई है। दरअसल आगरा में एक अधिकारी से मारपीट करने और बवाल मचाने वाले भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को 2 साल की सजा का आदेश मिला था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनकी सजा पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। अगली सुनवाई तक सजा को निलंबित कर दिया है। अगली सुनवाई की तारीख 11 सितंबर तय की गई है। ये खबर मिलते ही कठेरिया के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि सियासी गलियारों में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया की तुलना की जा रही है। दरअसल राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली के बाद एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है और वो नाम है बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया का, क्योंकि मोदी सर ने मानहानि मामले में सजा सुनाए जाने के 24 घंटे के भीतर ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई थी, लेकिन कठेरिया को सजा मिली और सजा सस्पेंड भी हुई। अदालत का फाइनल फैसला बाकी है, लेकिन कठेरिया की सदस्यता नहीं गई। हालांकि अब कठेरिया को फिलहाल फौरी राहत मिल गई है, लेकिन जानते हैं आखिर कठेरिया से जुड़ा पूरा मामला क्या है, वो अब हम आपको बताते हैं। दरअसल 5 अगस्त को आगरा की MP MLA कोर्ट ने इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को 2 साल की जेल और 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई थी। हालांकि अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगली सुनवाई तक के लिए उनकी सजा पर रोक लगा दी है। बता दें कि जिस मामले में कठेरिया को सजा सुनाई गई है वो 16 नवंबर 2011 का है। निजी बिजली कंपनी के कर्मचारियों की पिटाई के मामले को लेकर उन्हें ये सजा सुनाई गई। कोर्ट ने मारपीट और हमले की घटना में रामशंकर कठेरिया को दोषी पाया और 2 साल की सजा सुनाई। बता दें कि 2011 में बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया पर आगरा में टोरेंट पावर लिमिटेड के कर्मचारियों की पिटाई के आरोप में FIR दर्ज की गई थी। उस वक्त कठेरिया ने अपने 10-15 समर्थकों के साथ भावेश रशिक लाल शाह के साथ मारपीट की थी। भावेश रशिक लाल शाह बिजली कंपनी टोरेंट पावर लिमिटेड आगरा के मैनेजर हैं। इस मारपीट में शाह को काफी चोटें आई थीं। इसी मामले में गवाही और बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कठेरिया के खिलाफ ये फैसला सुनाया गया। उन्हें न सिर्फ 2 साल की कारावास बल्कि उन पर जुर्माना भी लगाया गया। इस केस को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। शनिवार को दिग्विजय सिंह ने लोकसभा स्पीकर से सवाल भी पूछा। उन्होंने कहा, अब देखना यह है कि लोकसभा अध्यक्ष इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को कब अयोग्य ठहराते हैं। रामशंकर कठेरिया जी माननीय सांसद को जो सजा हुई है, अभी देखते हैं कि राहुल गांधी जी की सदस्यता 24 घंटे में समाप्त कर दी गई थी। इनकी सदस्यता समाप्त होती है कि नहीं होती है पता पड़ेगा, और इसी पे पता पड़ेगा कि माननीय लोकसभा के हमारे अध्यक्ष महोदय कितनी निष्पक्षता से काम करते हैं। और साथ में जब राहुल गांधी जी की सजा को स्थगित कर दिया गया है, स्टे मिल गया है, तो उनकी सदस्यता कब बहाल होती है इस पर भी हम देखते हैं। यहाँ तक कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कठेरिया केस को लेकर बीजेपी का घेराव करने का मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने एक ट्वीट भी किया और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि भाजपा विपक्ष के सांसदों और विधायकों की सदस्यता छीनने का षड्यंत्र करते करते अब खुद इसका शिकार हो गई है। अब देखते हैं वो कितनी जल्दी अपने सांसद की सदस्यता को बर्खास्त करती है और कितनी जल्दी अन्य की सदस्यता बहाल करती है। भाजपा की साजिश का अब पर्दाफाश हो गया है। उनका ये इशारा राहुल गांधी की तरफ भी था, जिनकी सदस्यता अब बहाल कर दी गई है। इतना कुछ जानने के साथ ही ये भी जान लेते हैं कि संसद सदस्यता खत्म करने के नियम क्या हैं और कितना समय लगता है। बता दें कि किसी संसद सदस्य की सदस्यता जन प्रतिनिधि अधिनियम 1991 के सेक्शन 8(3) के तहत रद्द की जाती है। इस नियम के तहत जब सदस्य को किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। नियम के तहत जिस दिन सदस्य को दोषी ठहराया गया है उसी दिन से सदस्यता रद्द की जा सकती है। ऐसे में अब देखना होगा कि कठेरिया के केस में क्या फैसला लिया जाता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।